हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9th of July के करेंट अफेयर्स। कल मंडे को वीकली सीए आएगा, करेंट अफेयर्स नहीं आएगा। पूरे हफ्ते के इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स विद एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। ओके, इतनी चीज़ें। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना हो तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम में आपको आज की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे रिलेटेड टू द रफ्तार, तो रफ्तार जो है बुकलेट हमारी, उसमें एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू के लिए आपको सवाल परचेज करना पड़ेगा। सवाल में आपको एमसीक्यू मिलेंगे। रफ्तार जो बुकलेट हमने लॉन्च की है उसमें केवल आपको हेडलाइंस मिलेंगी, मतलब पूरी न्यूज़ उसमें कवर है लेकिन सिंगल लाइन के फॉर्म में है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो कि डिमांड होती है वन डे एग्जाम की, वो है सीए रफ्तार। ओके, से स्टार्ट करेंगे हम 9th of July के करेंट अफेयर्स, और आज हम कुछ नए टर्म्स को भी सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला न्यूज है FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन। यहाँ पर FIH हॉकी प्रो लीग का सीज़न कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पे भारत की जो टीम है, हॉकी टीम, उसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 4th नंबर पे आई है। इंडिया ने फिनिश किया है 4th पोजीशन पे। तो टॉप किसने किया है? टॉप किया है नीदरलैंड ने, 2nd नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन है, 3rd नंबर पे बेल्जियम है जो कि होस्ट नेशन है, और इंडिया यहाँ पे 4th नंबर पे है। अगली जो पर्सन है वो है श्रद्धा कपूर, जो कि एक एक्ट्रेस है, और इन्हें एसिस के द्वारा साइन किया गया है, जो कि एक स्पोर्ट गियर कंपनी है। उनके द्वारा श्रद्धा कपूर को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और जो थीम डिसाइड की गई है वो है साउंड माइंड साउंड बॉडी। ओके, अब यहाँ पे रिसेंट में चुने गए कुछ ब्रांड एम्बेसडर आप देख सकते हैं। रश्मिका मंधाना इप्सॉन इंडिया की प्रिंटर कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, स्मृति मंधाना रेंगलर ब्रांड, ऋतिक रोशन जेब्रोनिक्स, सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर, और सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म को वो प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है विशाल सालवी। अच्छा, आप लोग कोई डेस्कटॉप यूज़ करते होंगे, लैपटॉप यूज़ करते होंगे, और आप लोग उसमें एंटीवायरस वगैरह भी डालते होंगे। आप लोग ने क्विक हील का नाम डेफिनेटली सुना होगा, है ना? तो क्विक हील टेक्नोलॉजी के द्वारा अपॉइंट किया गया है विशाल सालवी को एज अ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर क्विक हील टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड विशाल सालवी एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विथ इमीडिएट इफेक्ट। इसके पहले इन्होंने इन्फोसिस में काम किया है, और इनको साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे वो कैलाश कटकर रहेंगे। क्विक हील एक इंडिया की मल्टीनेशनल साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका हेड ऑफिस आपको पुणे महाराष्ट्र में मिल जाएगा। चलिए अगली बात करेंगे हम ताइवान गवर्नमेंट के बारे में। द ताइवानीज गवर्नमेंट विल स्टेबलाइज अ ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर इन विच सिटी इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एम टू फर्दर डीपन कॉपरेशन विद इंडिया। तो ताइवान सरकार ने भारत के साथ सहयोग को और भी ज़्यादा गहरा करने के लिए किस स्थान पर आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, मतलब टी ई सी सी का मतलब क्या है, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर बनाने की बात की है। आंसर हो जाएगा हमारे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में। ऐसा नहीं है कि इसका पहला सेंटर है, ऑलरेडी हमारी कंट्री में ताइवान गवर्नमेंट के द्वारा चेन्नई और दिल्ली में अपने कल्चर सेंटर को बनाया गया है। चेन्नई वाला जो कल्चर सेंटर है वो 2012 में ही बन गया था। अब यहाँ पर वो कई सारी जो अपनी फैक्ट्री है, जो उनका हब है सेंटर चाइना से अपनी फैक्ट्री को वो भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं। सबसे अच्छा एरिया कौन सा होगा जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, मतलब मुंबई। और आपको बता दूं कि ताइवान जो है वो टॉप नंबर पे आता है सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग में। इनफैक्ट एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज के लिए भी, जो मतलब एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज को चिप प्रोवाइड करने का काम, या उनके जो कस्टमर है वो यहाँ पे ताइवान उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसलिए इन्होंने फैसला लिया है कि मुंबई में अपना कल्चर सेंटर सेटअप करेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ ऑल रेस्टोरेंट्स अक्रॉस द स्टेट इज रिमेन ओपन 24/7। तो किस राज्य सरकार ने डिसाइड किया है कि जो रेस्टोरेंट है स्टेट के वो पूरे
रात मतलब 24/7 24 घंटे ओपन रह सकते हैं? आंसर हो जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितने भी रेस्टोरेंट है स्टेट में वो 24/7 ओपन रह सकते हैं। इनको भी रात में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि रेस्टोरेंट आपको क्लोज करना है। बस आपको करना ये है कि आपको यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बाकी और कोई भी यहाँ पे कंडीशन नहीं है। ये डिसीजन अनाउंस किसने किया है? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस राज्य में वन जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो बेसिकली छत्तीसगढ़ में कई सारे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और जो कि पूरे ग्रीन फील्ड होंगे, मतलब हाईवे के दोनों तरफ जो है वो ग्रीनरी होगी, प्लांटेशन किया जाएगा, रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर। और ये जो प्रोजेक्ट है वो उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया से पास होगा। ये जो पूरा नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं इसमें 2.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का टनल होगा, जिसमें 27 एनिमल पासेज होंगे और 17 मंकी कैनोपीज भी होंगी। मतलब आप ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इफ्को। इफ्को ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो 2500 एग्री ड्रोन को परचेस करेगा, ठीक है? तो इफ्को टू प्रक्योर 2500 एग्री ड्रोन। अच्छा, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में बताया था। पीएम प्रणाम स्कीम का मकसद क्या था कि जो सब्सिडी बर्डन है यूरिया का वो रिड्यूस करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसलिए उन्होंने नैनो यूरिया और दूसरे मेथड्स को यूज़ करने की सलाह दी है स्टेट्स को, राइट? तो पीएम प्रणाम स्कीम का भी इसमें अपना एक एजेंडा है। पीएम प्रणाम का आपको एम पता है, रिड्यूस द केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्रमोट द अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। तो इफ्को ये पूरी कोशिश कर रहा है पीएम प्रणाम स्कीम को सपोर्ट करने का। तो इफ्को विल प्रक्योर हाउ मेनी एग्री ड्रोन टू प्रमोट द यूज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर अक्रॉस द कंट्री? इफ्को देश भर में नैनो फर्टिलाइजर को प्रमोट करने के लिए कितने कृषि ड्रोन खरीद रहा है? आंसर हो जाएगा 2500, ठीक है? 2500 ड्रोन खरीदेगा और 5000 लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके ज़रिए यहाँ पे जो आपका ड्रोन है, ड्रोन के जरिए छिड़काव किया जाएगा नैनो फर्टिलाइज़र का। और ये जो नैनो फर्टिलाइज़र का जो छिड़काव किया जाएगा थ्रू द ड्रोन, ये 20 एकड़ ज़मीन पे पर डे इफ्को का ये जो ड्रोन है वो स्प्रे कर सकता है, ओके? तो टू प्रमोट द यूज़ ऑफ नैनो फर्टिलाइज़र अक्रॉस द कंट्री, इफ्को विल प्रक्योर 2500 एग्री ड्रोन एंड ट्रेन 5000 ऑड रूरल एंटरप्रेन्योर एज अ पार्ट ऑफ नेशनल कैंपेन लॉन्च इन जुलाई 2023। ये इफ्को का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके जरिए वो प्रक्योर कर रहा है ड्रोन्स को, जिसका यूज़ किया जाएगा नैनो फर्टिलाइजर को स्प्रे करने के लिए। यूज़ फॉर स्प्रेइंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट नैनो यूरिया, नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट मतलब DAP इन अ फेज्ड मैनर। ये जो ड्रोन होंगे ये आपके थ्री व्हीलर्स होंगे और ये फार्मर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी इसके लिए। और ये जो ड्रोन होंगे ना वो 20 एकड़ पर डे ज़मीन को स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने एक और फैसला लिया है कि वो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स को पब्लिश करेगा। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इंडिया डेवलप कर रहा है एक बहुत ही यूनिक एंड वार्निंग सिस्टम जिसका नाम है फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। ये इंडेक्स बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, अभी इसको लॉन्च नहीं किया है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है। द इंडेक्स इज करेंटली बीइंग वर्कड आउट इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। पर्पस क्या है इस इंडेक्स को जारी करने का? तो देखिए, कई बार क्या होता है हमारी कंट्री में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है या सूखा पड़ जाता है या कोई डिसीज़ हो जाती है जिसके कारण कल्टीवेशन में या प्रोडक्शन में कमी आती है, या किसानों के ऊपर कई सारा लोन रहता है, कई बार क्रॉप भी लॉस हो जाती है तो लोन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो किसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं और यही रीज़न होता है कि वो सुसाइड करते हैं। तो हमारे कंट्री में कई सारे फार्मर्स हैं जो हर साल सुसाइड करते हैं इन्हीं सब कुछ रीजंस के कारण। तो बेसिकली इन्हीं रीजंस को कैलकुलेट करने के लिए और क्या हमें आगे स्ट्रेटजीज बनानी है, इसलिए फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स को तैयार किया जा रहा है। एक फेज्ड मैनर में इसको तैयार किया जाएगा। तो किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं या किसान जो हैं, कोई भी किसान है वो
किस रीज़न से डिस्ट्रेस है और डिस्ट्रेस का क्या पैरामीटर है, इसको कैलकुलेट हमें करना है। ये कैलकुलेशन न्यूज़पेपर के ज़रिए होगा। इसके अलावा इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा, और 21 क्वेश्चंस को तैयार किया गया है, जो क्वेश्चंस किसानों से पूछे जाएंगे, और उसके आधार पर इस पूरे इंडेक्स को तैयार किया जाएगा टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद। यहाँ पर 7 इंडिकेटर है जिसके ज़रिए पूरा मैपिंग की जाएगी। एक्सपोजर टू रिस्क, डेट कितना है, एडेप्टिव कैपेसिटी, लैंड होल्डिंग, इरिगेशन फैसिलिटी, मिटिगेशन स्ट्रेटजी, इमीडिएट ट्रिगर्स एंड सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो ऐसे कुछ कई 21 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए गए हैं। अभी जो पैरामीटर या इंडेक्स जारी किया जाएगा, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अगर 0 से 0.5 है मतलब लो डिस्ट्रेस है, 0.5 से 0.7 है मतलब मॉडरेट लेवल है, और अगर 0.7 से ज़्यादा है तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, मेंटल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो इंश्योरेंस क्लेम होता है अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो भी इस पूरे सर्वे के कंप्लीट होने के बाद दिया जाएगा। लेकिन अगर हमको विथ इन अ वीक ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिस्ट्रेस है, तो अर्ली स्टेज में ही ये इंश्योरेंस को लॉन्च कर दिया जाएगा, किसानों को दे दिया जाएगा। ये सारी बातें अभी कही गई हैं, तो केवल कहने की बातें, अभी ग्राउंड लेवल पर शुरू होना काफ़ी कुछ बाकी है। आइए हम बात करते हैं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के बारे में। ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 24 से लेकर 26 ऑफ नवंबर के बीच में होने वाली है बैंकॉक थाईलैंड में, और एकमात्र पॉलिटिशियन है सीएम योगी आदित्यनाथ, उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, और ये थर्ड एडिशन है, हम ये भी समझेंगे कि पहले दो एडिशन कहाँ कहाँ और कब हुए हैं। ओके, सो थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन बैंकॉक। यहाँ पे वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा तीसरे नंबर की वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है बैंकॉक में नवंबर के मंथ में। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के जो ट्रस्टी हैं वो स्वामी विज्ञानंदन हैं, ठीक है। ये 3 दिन, सॉरी कितना, 24 से 26 ना, हाँ सॉरी 3 दिन का ये आपका कॉन्फ्रेंस है, विश्व हिंदू सम्मेलन है, विश्व हिंदू फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि स्वामी विज्ञानंदन जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ट्रस्टी है विश्व हिंदू फाउंडेशन के। आगे बात करते हैं इनवाइटिंग मेंबर फ्रॉम इंडिया। इंडिया से किस किस को इनविटेशन आया है, कौन कौन जाने वाला है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनविटेशन आया है। इसके अलावा आप लोगों ने मोहन भागवत जी का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक हैं, तो यहाँ पर मोहन भागवत जी को बुलाया गया है, और माँ अमृत नंदिनी को यहाँ पर इनवाइट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी बुद्धिस्ट टीचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क एंड टीचर्स हैं उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में। केवल और केवल इंडिया से एकमात्र पॉलिटिशियन है सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनको यहाँ पर इनविटेशन भेजा गया है। जैसा कि मैंने कहा, ये थर्ड नंबर की कॉन्फ्रेंस है। इसके पहले की कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें तो पहले नंबर की जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हुई थी वो दिल्ली में हुई थी 2014 में दिल्ली में पहली वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हुई थी, एंड सेकेंड नंबर 2018 में शिकागो में हुई थी। थर्ड नंबर की यहाँ पर बैंकॉक थाईलैंड में हो रही है, ओके है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आप लोग iOS यूज़ करते हैं, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते हैं, विंडोज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। यहाँ पर चाइना ने एक नया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है ओपन काइलिन। ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चाइनाज ओपन काइलिन ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे इसे रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये ओपन काइलिन जो है वो चाइना का पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट आप यूज़ करते हो या एप्पल iOS वगैरह आप यूज़ करते हो ना, ये सभी आपके क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसे ही ये क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे बात हो रही है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब ये क्या कहानी है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको 4000 लोगों की एक कम्युनिटी डेवलपर टीम ने तैयार किया है। ओपन काइलिन यूजर हैव एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर लाइन्स ऑफ कोड एंड कैन मॉडिफाई देम एज दे विश, अनलाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल विच कीप द वर्किंग ऑफ विंडोज एंड मैक ओएस सिस्टम सीक्रेट। यहाँ पे अगर आप विंडोज़ की बात करें या मैक ओएस के बारे में बात करें, तो उनकी जो कोडिंग होती है, उनका जो सोर्स कोड होता है, वो पूरी तरीके से सीक्रेट होता है, थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर सकती। यहाँ पे ओपन काइलिन जो आपका सॉफ्टवेयर है, इसमें जो कोड है उसको यूज़र अपने ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक है। एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच सोर्स कोड इज़ विजिबल पब्लिकली एंड एडिबल।
इसको एडिट कर सकते हैं और ओपन होता है, ओपन टू ऑल। यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोर्स कोड को एडिट कर सकता है, कोडिंग कर सकता है। जबकि जो क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें कई सारे कोड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, लेकिन सोर्स कोड जो होता है वो सीक्रेट होता है, ओनर के पास होता है, कंपनी के पास होता है, थर्ड पार्टी या यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इन द केस ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एवरीवन कैन एक्सेस एंड एडिट द सोर्स कोड। तो आपको ओपन काइलिन के बारे में पता चल गया है। लास्ट न्यूज हम डिस्कस करेंगे एक वॉल्केनो एक्टिविटी के बारे में, जिसके बाद पेरू में इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है। ओके, हम बात कर रहे हैं उबनास वॉल्केनो के बारे में, और ये वॉल्केनो आपको यहाँ पे पेरू में देखने को मिलेगा। आपकी ये जो एंडीज रेंज है ना, एंडीज रेंज में आपको ये वॉल्केनो देखने को मिलेगा। वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो है पेरू का। तो पेरू रिसेंटली अनाउंस अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड मोक्यूगुआ रीजन ड्यू टू द ऑनगोइंग एक्टिविटी इन युबनास वॉल्केनो। युबनास वॉल्केनो में जो एक्टिविटी देखी गई उसके बाद पेरू ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है। ये जो युबनास वॉल्केनो है ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है। स्ट्रेटो वॉल्केनो जनरली ऑल्टरनेटिव लेयर ऑफ लावा एंड एशेस से बने होते हैं और कोन शेप के ये वॉल्केनोज बेसिकली होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है पेरू का। 500 सालों में 26 टाइम यहाँ पे इरप्शन देखा गया है। ठीक है, ये ओके। अंत में बात करेंगे कुछ एमसीक्यू के बारे में। पहला क्वेश्चन है श्रावणी मेला, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस ये मेला होता है। कहाँ पर, किस स्टेट ने इसको इनॉग्रेट किया है? आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस कवरेज को डबल करने की बात किसने कही है? तो गुजरात सरकार ने कही है। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा पहला बैंक बन गया है जो कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है? आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाइना के क्यूंग ड्योंग्यू वापस से किस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो आंसर हो जाएगा FAO, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इंडिया हैज साइन MOU विथ अ विच कंट्री फॉर इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन? तो यहाँ पर इंडिया ने पनामा के साथ MOU साइन किया है फॉर इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, FIH हॉकी प्रो लीग सीजन चैंपियन कौन है? नीदरलैंड है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। NCC has signed an MOU with which bank for operating bank accounts of the cadets? तो NCC cadets के लिए यहाँ पर किस बैंक के साथ MOU साइन किया है जिसके ज़रिए आप ओपन कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट्स? तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पहली उड़ान स्कीम के अंतर्गत। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किसे अपॉइंट किया गया है? चार ऑप्शन है, पी वासुदेवन, उर्जित पटेल, पी के सिन्हा एंड राजीव कुमार। आपका जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, रिप्लाई भी आपको वहां पे मिल जाएगा। कल के सेशन में हम वीकली CA डिस्कस करेंगे विथ क्विज। तो मिलते हैं 7 AM। टेक केयर एंड बाय बाय।